मुझे तोड़ लेना अपन माली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश झुकाने जाते जहां पर वीर अभी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह कविता हम सभी के अंदर अपने देश के प्रति जोश भर देती है और अपने देश के प्रति मर मिटने को हमें तैयार करती है। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी से जुड़े एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आए हुए हैं और यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा है विश्वविद्यालय और कहाँ पर क्या है। तो विश्वविद्यालय के परिसर में जैसे ही हम आते हैं, हमें दो तरफ पार्क देखने को मिलते हैं। एक पार्क इस तरफ है और दूसरा पार्क यहाँ पर, संविधान पार्क जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर संविधान लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी दोनों में और काफ़ी बढ़िया एंट्रेंस हम एक विश्वविद्यालय के लिए इसे मान सकते हैं। पीछे हमारे 6 मंजिला इमारत है और अब हम इसके अंदर आके जानने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो जैसे ही हम अंदर की ओर आते हैं, हमें दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह प्रतिमा स्वागत करती हुई मिलती है और जो शुरुआत में मैंने पंक्तियां उनकी कही वो उनके पीछे लिखी हुई हैं। जैसे ही हम विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, माता सरस्वती की यह प्रतिमा सबसे पहले हमें मिलती है और धीरे धीरे अब इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर विश्वविद्यालय में क्या मौजूद है। ये ऊपर जाने के लिए अलग अलग विभागों में जाने के लिए अलग अलग तरीके की लिफ्ट लगाई गई है। एक लिफ्ट स्टाफ के लिए है और दूसरी विद्यार्थियों के लिए जाने के लिए है। आइए ऊपर चलने का प्रयास करते हैं। ऊपर क्या है ये देखते हैं। हम पैदल ही पैदल चलेंगे क्योंकि इतना ज्यादा कठिन रास्ता है नहीं। ये पहले मंजिल पर हम आए हुए हैं जहाँ पर पुस्तकालय बना हुआ है। यहाँ पर विद्यार्थी आकर अपने अलग अलग रुचि के अनुसार अपने पाठ्यक्रम की अध्ययन करते हैं और ये पूरी तरह से सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था करके विश्वविद्यालय में हाय बोल दीजिए। और जैसे ही हम ऊपर आते हैं, सबसे पहले हमें मिलता है नवीन मीडिया प्रौद्योगिकी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी जिसके हम विद्यार्थी हैं। तो आइए यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक लैब बनी हुई है, ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड। ये कुछ किताबें जो बच्चे न्यू मीडिया से संबंधित जो बच्चे हैं वो इनका अध्ययन कर सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं न्यू मीडिया के क्लासरूम में। ये प्रबंधन विभाग में हम आ चुके हैं और हमारे साथ अनिरुद्ध भाई मौजूद हैं। आप यहाँ की जानकारी अनिरुद्ध जी हमें देंगे। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो व्यापार में एक मुकम्मल जगह हासिल करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ आ सकते हैं। उनके लिए एक नया अवसर प्रदान करता है और आप लोग यहाँ दाखिला ले के पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगले फ्लोर पर जब हम आते हैं तो हमें पत्रकारिता विभाग का एक और स्थान नजर आता है जहाँ पर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा बनी हुई है। और पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो कलम है। ये पूरा का पूरा पत्रकारिता विभाग। पत्रकारिता विभाग से और ऊपर की ओर चले चलते हैं और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो हमें विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनकी क्रिएटिविटी आसमान से भी ऊपर है तो वो इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और आइए इसके अंदर चले चलते हैं। जैसे ही हम इसमें अंदर आते हैं तो पेपर्स जो सभी विभागों के बाहर लगे हुए हैं उसी तरह पेपर लगे हुए हैं और अंदर ही क्लासरूम है।
अगले फ्लोर पर मौजूद है जनसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक बड़ा सागर अपने अंदर समेट हुए विभाग है और विभागों की खूबी अपने अंदर संभाले हुए ये मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पर जाके देखेंगे कि यहाँ की क्लासेस कैसी हैं और किस तरह की व्यवस्थाएँ यहाँ की गई हैं। तो सभी विभागों की तरह यहाँ भी एक बढ़िया लंबा चौड़ा व्यवस्थित गलियारा है और ये बच्चों के लिए एक पुस्तकालय या शायद स्टाफ है, ये स्टाफ के लिए एक पुस्तकालय टाइप में बना हुआ है। ये पुस्तकालय है मास्कॉम के बच्चों के लिए और अंदर हम आने की कोशिश करेंगे और जाने की कोशिश। हर विभाग में अपनी एक लैब व्यवस्थित मौजूद है जहाँ पर बच्चे अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से काम कर सकते हैं, विभिन्न सॉफ्टवेयर को यूज़ करके बच्चे नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। आइए अंदर जाते हैं, कुछ विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं। कैमरे पर हमारे साथ राहुल पाल मौजूद हैं। राहुल मेरे क्लास के साथी हैं और उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, इसलिए हमने ये एक नया कदम उठाया है क्योंकि शुरुआत में जब हम आए थे तो हमें भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और ये आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग है। जैसा जैसे कि हर विभाग के बाहर एक व्यवस्थित तरीके से पेपर लगा हुआ है जहां पर बच्चे जानकारी हर दिन के अलग अलग जानकारियां जुटा सकते हैं। चलिए आइए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस बात कर रहे हो। अरे NMT से है ना, NMT से हो तो मतलब बता दो, हम मास्क वास्क लगा ले अंदर बैठे हम लोग, NMT लग जाएगा। कौन सी ईयर में हो? फर्स्ट MSc। फर्स्ट ईयर? नहीं, NM। NM MSc NMT। का नाम है राहुल। कार्ड और कुछ मिला है? नहीं, अभी नहीं मिला। अभी बता देना कि वीडियो रिकॉर्ड कर, बता दो कि हमारी रैंकिंग ले रहे हैं, इनकम रैंकिंग की जो भी धारा होती है उसके तहत केस दर्ज किया, VC तक पहुंचा दो। खैर हमारे VC सर बहुत अच्छे हैं क्योंकि तुम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो बोलना। आप कौन से डिपार्टमेंट से? मेरा MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेकंड ईयर से ना। अरे जानकारी लो, जरा बढ़िया वाली जानकारी लो फिर। अच्छा ये तो मतलब शूट कर रहे वीडियो? हाँ, ये पूरा का पूरा जो वीडियो है हम पूरा जाने देना, कट कहीं मत करना। अरे कट कट नहीं होगी, ए रुक जाओ अब 1 2 3। तो ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो पूरा अपना जो विश्वविद्यालय का कहां पे कौन सा डिपार्टमेंट है इसको समझने का हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है इसके बारे में थोड़ी जानकारी? ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट। ये हमारे क्लास के या यूके के कॉलेज के सबसे होनहार छात्र। हाँ आगे आप। ये एक सिंगर हैं, ये एक अच्छे कंपोजर हैं, ये एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इसके अलावा ये एक अच्छे एडिटर हैं, सिंगर एडिटर मतलब उस म्यूजिक एडिटर, साउंड इंजीनियर। कि अब तक का जो आपका अनुभव रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वो कैसा रहा? बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतरीन। और अगर किसी को सलाह देना चाहें? वही कहूँगा कि जब मक्खनलाल में एडमिशन ले लो जिंदगी सुधर जाएगी। मैं सीरियस नहीं, बढ़िया कहीं भास्कर, आज तक, NDTV, इंडिया टुडे, यह मैं आपको देखूंगा जो भी ले रहा है पढ़ने वाला। बाकी अनपढ़ अब आप आओगे, मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो क्या होगा? मेहनत इस कॉलेज से 2 साल बाद आप देखेंगे पूरा हिंदुस्तान, इस बंदे को आप देख लो चेहरे, 2 साल बाद पूरा हिंदुस्तान तब आप भी बोल पाएंगे, बोलेंगे कि हमारे कॉलेज से पढ़े लिखे छात्र, पढ़े हुए छात्र। और सिर्फ ये मतलब गाना गाते नहीं है, क्या बताए इंटरनेट वाले वैसे लग कर सर सहज महसूस नहीं कर रहे। ठीक है, हम संपर्क रखेंगे जरूर और जरूर सुनाएंगे बेहतरीन गाना। अब आना तो बता देना, मास्क लगा लूंगा, मास्क अनिवार्य है, जो मास्क ना लगाए हैं उनको टोक दीजिए, मास्क लगाना बहुत जरूरी है।
तो ये जो सलाह भाई ने हमें दी है कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी चीज है क्योंकि इस समय कोविड का दौर है और ऐसे समय में मास्क ना लगाना मतलब अपने लिए एक चुनौती खड़ी करना है, इसलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अब मैं हमारे साथ जो कैमरे पर मौजूद हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आगे की व्यवस्थाएं कैसी हैं वो इसकी जानकारी दे तो बड़ा मजा आएगा। राहुल पाल हमारे साथ मौजूद हैं और राहुल भाई बताएंगे कि आगे क्या होगा। सभी डिपार्टमेंट का जो कायाकल्प है वो एक ही तरीके से बना हुआ है कि अगर आप अंदर के इंटीरियर देखें तो अगर अलग है, लेकिन अगर आप इस डिपार्टमेंट में एक अलग प्रोफेशनलिज्म की फीलिंग आपको जरूर आएगी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग जिस तरीके से होना चाहिए शायद उससे उसके बराबर उससे ज्यादा ही हमें लगता है। हम इस समय माखनलाल के सबसे ऊपरी तल पर हैं और सबसे ऊपरी तल पर वीजी सर का ऑफिस है। नॉर्मली अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो अभी हम अंदर नहीं ले जा सकते आपको, लेकिन जब भी अनुमति मिली और अगली बार जैसे भी मौका हमें मिला तो हम अंदर की वीडियो आप तक तो जरूर लाएंगे। जब तक बने रहिए। और अब आखिर में चलते चलते हम जाने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी के मेन जगह पर। मेन जगह इसलिए क्योंकि ये है विश्वविद्यालय का कैंटीन, जहाँ पर बच्चे इकट्ठे होकर अपनी पसंद की चीज़ें खाते हैं और खूब मज़े करते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैंटीन कैसा है। और आज हालांकि भीड़ कम मौजूद कम भीड़ दिख रही है लेकिन फिर भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। ये विश्वविद्यालय का कैंटीन है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये कुछ अवशेष पड़े हुए हैं कुछ बचे हुए और ये पूरे विश्वविद्यालय का कैंटीन है जहाँ से आप चीज़ों को ले सकते हैं, चाय, समोसा, कचौड़ी, पूरी, सब्जी, ये सब यहाँ पर बनते हैं और विद्यार्थी यहाँ पर बैठ के गप्पे सप्पे लड़ाते हैं और खूब मज़े यहाँ पर किए जाते हैं। तो ये थी हमारी एक विश्वविद्यालय को जानने की यात्रा। तो इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी और मदद मिलेगी उन चीज़ों को जानने में जो आपको विश्वविद्यालय आने के बाद जाननी ज़रूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े। तो ये था समाचार अड्डा का ब्लॉग नंबर 3 और जिसको शूट कर रहे थे हमारे साथी राहुल पाल। थैंक यू।